चैप्टर 10 वरम बुर्धिना सा विद्या। वरम बुर्धिना सा विद्या, विद्या का अर्थ है, ये पंचतंत्र की कहानी है, इसका अर्थ है सिर्फ पढ़ा लिखा ही बुद्धिमान नहीं होता। तो अब आइए कहानी देखते हैं। एकस्मिन नगरे चत्वारह ब्राह्मण पुत्रा परस्पर मित्र भाविन वसन्ति स्म। स्म किसके लिए आता है? रहा करते करते थे के लिए। तो एकस्मिन एक नगर में, एकस्मिन एक नगरी एक नगर में चत्वार चार ब्राह्मण पुत्रा ब्राह्मण का के पुत्र परस्परम परस्पर आपस में मित्र भावेन मित्र भाव से वसन्ति स्म रहा करते थे। किसी गांव में चार ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्र भाव से रहा करते थे। तेषु त्रया, तेषु तेषु मतलब होता है उनमें, त्रया तीन शास्त्र पारंगता शास्त्र के पारंगत अर्थात पढ़े लिखे थे, परंतु पढ़े लिखे थे परंतु बुद्धिहीना आसन परंतु वे बुद्धिहीन थे। एकस्तु बुद्धिमान परम शास्त्र परांगमुख, एकस्तु तीन तो पढ़े लिखे थे परंतु बुद्धिहीन थे। एकस्तु एक उसमें से एक बुद्धिमान परम शास्त्र परांगमुख, एक बुद्धिमान था लेकिन अनपढ़ था। शास्त्र परांगमुख का अर्थ होता है अनपढ़, आसीन था। और आसन किसके लिए आया? थे के लिए। तो तस्य नाम सुबुद्धि, तस्य नाम सुबुद्धि उसका नाम क्या था? सुबुद्धि आसीत। तस्य नाम सुबुद्धि आसीत उसका नाम सुबुद्धि था। विद्याध्ययने तस्य रुचि नास्ति, विद्या अध्ययन में उसकी रुचि नहीं थी। अतः कदाचित तय मंत्रणम, तो अतः कदाचित अतः कदाचित तो उसे किसी ने सलाह दी कि ये सब तो बेवकूफ़ थे तीन और ये बुद्धिमान था। तो किसी ने अतः कदाचित तय मंत्रणम किसी ने सलाह दी को गुणो विद्याया कि विद्या कमाने के लिए यदि देशांतर गत्वा यदि देश के बाहर जाकर के विद्या के द्वारा यदि देश के बाहर जाकर धनोपार्जन न क्रियते तो पूर्व देशम देश के अंदर अगर रह करके हम धन का को नहीं प्राप्त कर सकते न क्रियते नहीं प्राप्त करते तथा पूर्व देशम प्रति प्राचलम तब हमें पूर्व देश। उसने क्या कहा? जो बुद्धिमान था उसने कहा, उसने सलाह दी इन लोगों को कि अगर हम लोगों को अपने देश में रह कर के धन प्राप्त नहीं हो रहा है तो हमें दूसरे देश को जाना चाहिए। तथा अनुष्ठ्यते तो ऐसा करने पर तय मार्गे अष्टव्या कानिश्चित अस्थीनि अपश्यन तब वे चलते हैं उस रास्ते पर। तो ऐसा करने पर तय मार्गे उस मार्ग पर अष्टव्या मार्ग वन मार्ग पर कानिश्चित अस्थीनि अपश्यन तो ये लोग क्या देखते हैं? अस्थि देखते हैं, अस्थि अपश्यन इन लोगों ने अस्थि देखा। कानिश्चित कुछ अस्थियां पड़ी हुई देखी, इधर उधर बिखरी हुई कुछ हड्डियां देखी। तथा एकेन उक्तम तो एक ने कहा अहो अधा विद्याया प्रयोग कुर्मा अब मैं विद्या का प्रयोग करूँगा। किंचित एतत् सत्वम मित्रम तिष्ठति, किंचित एतत् ऐसा हो सकता है कि सत्वम मृत्युम तिष्ठति मैं इसे ये मृत है मैं इसे उठा लूँगा। तद वृद्धा प्रभावेण जीवित कुर्मा और इसे अपने विद्या के प्रभाव से जीवित कर दूँगा। अहम अस्थि संचय करूँगी, उन्होंने कहा कि हम अस्थि को संचय इकट्ठा करेंगे। तथा तीन अस्थि संचय कृता तब उन्होंने अस्थियों को हड्डियों को इकट्ठा करना शुरू किया। द्वितीय चर्म मांस रुधिरा संयोजितम, द्वितीय दूसरे ने क्या कहा? क्या एक ने कहा कि मैं हड्डियों को जोड़ दूंगा तो दूसरे ने कहा कि मैं उस पर मांस और चमड़े चढ़ा दूंगा इकट्ठा।
तृतीयोपि यावत् जीवन संचार्यति, तीसरे ने कहा कि मैं उसमें जीवन का संचार कर दूंगा, मैं उसमें जीवन ला दूंगा। अब देखिए कि क्या कह रहा है, पहला कह रहा है तिरुमूर्ख है, कह रहा है कि हम लोग चाहें तो इसे इकट्ठा करके इसकी अस्थियों को इसे पुनर्जीवित कर दे सकता हूँ। तो एक ने कहा कि अपनी विद्या के प्रयोग से हम इसको जिला सकते हैं तो जीवित कर सकते हैं। एक ने कहा कि हम अस्थि संचय करते, मैं अस्थि संचय करता हूँ तथा तीन अस्थि संचय कृत, तुम अस्थि को संचय करो। द्वितीय ने कहा कि हम इस पर तुम इसकी अस्थियों को जोड़ दोगे तो हम इस पर मांस और रक्त संयोजित कर देंगे। तीसरे ने कहा कि तुम लोग जब इस पर मांस और चर्म लगा दोगे, चमड़े और मांस लगा दोगे तो मैं इसमें जीवन का संचार कर दूंगा, तावत सुबुद्धि ना निषिद्ध है। तब सुबुद्धि क्या करता है, निषिद्ध, निषिद्ध मतलब छोड़कर, उन्हें छोड़कर भूतिष्ठतु भगवान की भूतिष्ठतु, यहाँ से भागना ही उचित है। ऐशा सिंह प्रतीयते, मतलब वो देखता है कि यह तो सिंह प्रतीत होता है, यद्येन जीवित करिष्यति तथा सर्वनापि व्यापादिष्यति। तो उसने कहा कि अगर ये जिंदा हो गया तो सर्वनाश होगा, तो इससे भला यहाँ से भाग जाना है। इति श्रुत्वा तीन कथितम, यह सुन करके उसने कहा, धिक मूर्ख, हे मूर्ख, नाहं विद्या विफला करोमि, अपनी विद्या को विफल ना करो। तत् सुबुद्धि अवदत्, तब सुबुद्धि बोला, तहिर प्रतीक्षा क्षणमेकम यावत् वृक्ष मारुहामि। तो उसने कहा कि रुक जाओ, अभी रुक जाओ। उसने कहा कि श्रुति तीन कथितम, उसने कहा धिक मूर्खा, हे मूर्ख, नाहम विद्या विफला करूँगी, मैं अपने विद्या को विफल नहीं करूँगा, मैं अपनी विद्या को, मैं जानता हूँ कि मैं जिंदा कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। तो तथा सुबुद्धि अवदत्ता, सुबुद्धि बोला कि तहिर मतलब ज़रा, प्रतीक्षस्व प्रतीक्षा करो, क्षण में कम क्षण भर रुको, यावदम वृक्ष मारुहामि, मैं वृक्ष पर चढ़ पाऊँ। इति कथित्वा स वृक्ष आरोहत, यह कहकर कि वह वृक्ष पर चढ़ गया। तदा तृतीयेन ब्राह्मणेन यावत् तस्मिन् प्राणा संचारिता, तब तीसरे ब्राह्मण ने उसमें प्राणों का संचार किया, तावत् तेन जीवितेन सिंहेन, तावत् तभी तेन उस जीवित सिंह ने त्रयोपि व्यापादिता उन पर आक्रमण किया। तत्पश्चात सुबुद्धि वृक्षाद वीर्य गृह गता, उसके बाद उस पर तो आक्रमण कर दिया तीनों पर, अब वो उतरा और अपने घर को चला। अतः सत्यमेव, अतः सही कहा गया है, वरम बुद्धिना सा विद्या, विद्याया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकार का। उसने कहा कि ठीक उसी तरह से यह सही कहा गया है कि वरम बुद्धिना सा विद्या, कि बुद्धि मान से विद्या वाला नहीं हो सकता। विद्या या बुद्धि रुत्तमा, विद्या क्या करती है, बुद्धि का विकास करती है, बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा से सिंहकार कारका, तो कि बुद्धिहीन क्या करता है, शिक्षा का भी से भी विनाश ही करता है, जिस प्रकार से सिंह क्या करता है, सर्वथा विनाश ही करता है। धन्यवाद।